वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका इस नए व्लॉग में। यार गर्मी एक्चुअली इतनी ज़्यादा हो रही है कि टेम्परेचर चाहे सेट कर दो कितना 22, बट पसीना अभी भी निकलता है। तो इसका सलूशन हमने ढूंढ लिया है कि हम बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कहीं ठंडे प्लेस पर। तो मैंने सारा स्टफ़ अपना तैयार कर रखा है, आपको मैं सारा स्टफ़ दिखा देता हूँ और कहाँ हम लोग जा रहे हैं ये मैं आपको रास्ते में चलते हुए या फिर स्टेशन पहुंचने के बाद बताऊंगा। हालांकि 12:30 बजे की ट्रेन है और 9:30 बज रहा है, तो ये सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है, आप देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग इसको पैक करते हैं और तुरंत निकलते हैं स्टेशन में। ख़ास बात यह है कि मैं कुछ अपने साथ मेडिसिन ज़रूर कैरी करता हूँ, ताकि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ना भागना पड़े और फर्स्ट एड टाइप का ज़रूर मिल जाए। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से और मिलता मैं आपको सीधे स्टेशन पर। मैं खड़ा हूँ लखनऊ स्टेशन के पे आ चुका हूँ और हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन लगभग प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो हम लोग बड़ी ईगरनेस के साथ ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ट्रेन आते ही हम उसमें सवार होंगे। तो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग जा कहाँ पर हैं। तो मैं बता देता हूँ कि हम लोगों का डेस्टिनेशन जो है, पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम नैनीताल जाएंगे, लेकिन कुछ वहाँ पर अभी क्राउड ज़्यादा चल रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग जो है नैनीताल से थोड़ा सा हट के या तो रानीखेत जा सकते हैं या अल्मोड़ा वगैरह जा सकते हैं। तो ठीक है, ट्रेन में बैठते हैं। हम लोग निकल चुके हैं अपने गंतव्य की ओर और ट्रेन ने देखिए रफ्तार पकड़ ली है और हम लोग पूरी फैमिली के साथ एक्चुअली जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ पे सीट मिली है और कुछ लोगों को दूसरे कोचेस में भी सीट मिली है। हमारा एक पैसेंजर जो है नेक्स्ट स्टेशन से, मतलब नेक्स्ट स्टेशन नहीं, काफ़ी 3-4 घंटे बाद शाहजहाँपुर से चढ़ेगा। तो ठीक है, रात में कुछ दिखाने को है नहीं अभी, तो सीधे मिलते हैं उस स्टेशन पर, आपको दिखाता हूँ कौन चाहिए। हमारी ट्रेन रफ्तार बढ़ते हुए पहुंच चुकी है रामपुर स्टेशन और रामपुर स्टेशन में इसका हाल करीब 20 मिनट्स का है, क्योंकि यहाँ पे पीछे से इंजन कट के आता है और यहाँ पे लगता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन चेंज होने का काम अभी लगभग कंप्लीट हो गया है। हालगुआ पहुँच गए और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेंचुरी पेपर मिल की ये फैक्ट्री, मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ। तो सुबह हो चुकी है, टाइम भी बहुत हो चुका है, जो डेली वाली चीज़ें हैं वो नहीं कुछ लोगों की कंप्लीट हो पाए, उनके चेहरे के होश उड़े हुए हैं, देख लिए कैसे मुरझाए हुए लोग बैठे। बताइए क्या हुआ आपके साथ? आप बताएं, छत्ती लगी है सुबह से, अभी तक जा नहीं पाए। था हमारा नैनीताल जाने का, लेकिन प्लान को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और हम लोगों ने अल्मोड़ा का फाइनलाइज किया है। तो हम लोग अब यहाँ पे हल्द्वानी स्टेशन पे उतरे हैं और मेरे साथ मेरा सारा ग्रुप आप देख सकते हैं पीछे, तो ये सारे लोग हैं और खुश हैं, तो इनकी खुशी आप लोग देख सकते हैं। हमारे साथ छोटे उस्ताद भी हैं और उनसे छोटे उस्ताद भी ये रहे। ठीक है, तो हल्द्वानी के स्टेशन से हम लोग अपनी यात्रा अब शुरू करेंगे और हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं। हल्द्वानी स्टेशन से हम लोग निकल के बैटरी वाले रिक्शे में सवार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी के बस स्टैंड, वहाँ से हम लोग को मिलेगी अल्मोड़ा की बस। तो हम लोग बस वहाँ से लेंगे और शायद 89 किलोमीटर्स है यहाँ से अल्मोड़ा। तो बस में हम लोगों ने अपनी सारी सीटें ले ली हैं और सारे लोग पीछे बैठे हुए दिख रहे हैं और कुछ ही देर में बस यहाँ से रवाना होने वाली है।
हम लोग इस समय पहुंचे हुए हैं भीमताल और आप मेरे दाहिने हाथ को देख सकते हैं भीमताल की लेक। टफ जर्नी जो हम लोगों ने बाई रोड की है उसको करने के बाद मैं चेक इन कर चुका हूँ अल्मोड़ा में अपने होटल जनता पैलेस में, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपनी बालकनी में, रूम की बालकनी में एक्चुअली, और पीछे से पूरा का पूरा अल्मोड़ा शहर यहाँ से विजिबल है। देख सकते हैं कितना मनमोहक और सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को हमें मिल सकता है। पूरा सिटी एकदम डेंस बसा हुआ है, काफ़ी घनी आबादी है यहाँ पे, और पार्किंग ना होने के कारण लोगों ने कुछ मल्टी लेवल पार्किंग भी यहाँ पे बना के रखी है। देख सकते हैं वहाँ पे कुछ पार्किंग की भी व्यवस्था है, मल्टी लेवल पार्किंग बताइए। इस तरह के पहाड़ी एरिया में भी पार्किंग लोगों ने एक अच्छा कंसेप्ट डेवलप किया है, तो सिटी देखने में लगता है कि काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ। और सामने नीचे बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग रहते भी हैं, आसपास ही हैं। तो और वेदर इतनी प्लीजेंट लग रही है कि जितने भी दिन भर की थकान थी वो लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। टेम्परेचर अब पहुँच चुका है 28 डिग्री, तो काफ़ी प्लीजेंट है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से होटल से निकलेंगे और थोड़ा आउटिंग करते हुए माल रोड वगैरह जाएंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे आज। गलियों से हम चढ़ के अब पहुँचे हैं माल रोड की मार्केट, और यहाँ पे कुछ शॉप्स अभी बंद हो गई हैं क्योंकि शायद क्लोजिंग टाइम 8 बजे ही होता है यहाँ पे। कुछ शॉप्स थोड़ी सी खुली हैं, तो इस मार्केट का नज़ारा हम देखते हुए अपनी मंजिल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली खाने की टेबल पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो पाता मुझसे, तो आज का दिन पूरा का पूरा ट्रैवल करने में ही बीत गया, हम काफ़ी एक्सप्लोर नहीं कर पाए आज। तो कल से हमारी दिनचर्या शुरू होगी यूके को घूमने की, उत्तराखंड को घूमने की, तो खाना एंजॉय करते हैं। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।